नमस्कार दोस्तों, मछली पालन पर 60% सब्सिडी के साथ लोन कैसे मिलेगा। जी दोस्तों, मछली पालन पर 60% सब्सिडी के साथ 60% सब्सिडी के साथ लोन कैसे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एग्री एग्रो नॉलेज पार्टनर मोहम्मद हबीब कादिर, डायरेक्टर आरएन एग्री एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं एक एग्रीकल्चर बिजनेस कोच हूँ और आपके लिए एग्रीकल्चर पे, कृषि पे बहुत सारे एडवांस फार्मिंग के वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि मछली पालन पे 60% के साथ सब्सिडी के साथ आपको लोन कैसे मिलेगा, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी सरकारी योजनाएँ हैं जिसके तहत आपको 60% सब्सिडी मिलेगी, आप अपने खेत में तालाब बनाकर कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, इन सारे विषयों पे, इन सारे बिंदुओं पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी योजना की कि कितने परसेंट मछली पालन पे सब्सिडी है। दोस्तों, गवर्नमेंट की स्कीम है मत्स्य संपदा योजना, जो पूरे भारतवर्ष में लागू है। पूरे भारतवर्ष में ये स्कीम चल रही है। आप इसके लिए अपने नज़दीकी जिले के मत्स्य विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके राज्य के अनुसार विस्तार से बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपके राज्य के अनुसार विस्तार से वीडियो बना दूँगा। दोस्तों, मत्स्य संपदा योजना पे SC ST कैटेगरी को 60% महिला, यानी कि SC ST महिला को 60%, पुरुष OBC और हाई कास्ट, यानी कि पुरुष OBC का हो या हाई कास्ट का हो, उसको 40%। महिला चाहे हाई कास्ट की हो या फिर OBC की हो, सबको, महिलाओं को 60% सब्सिडी मिलेगी मत्स्य संपदा योजना। एक हेक्टेयर का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों सरकार का, वो है 8.5 लाख रुपए का। तो आपको 8.5 लाख रुपए के पे महिला के नाम से करते हैं तो 60% सब्सिडी मिलने वाली है, और पुरुष के नाम से अगर आप मछली पालन स्टार्ट करते हैं तो आपको 40% सब्सिडी मिलने वाली है OBC और हाई कास्ट में। दोस्तों, इसमें आपको डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता होगी। इसमें आपको सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए DVT, ठीक है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर मिनिमम लैंड होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर से ही आप शुरुआत करें। ये आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। इसमें एक शपथ पत्र भी लगता है, वो शपथ पत्र का ब्यौरा आप हमें कॉल करके ले सकते हैं, वो शपथ पत्र हम आपको फॉर्मेट भेज देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, बैंक में लोन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। हम भी एग्री एग्रो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, हम भी मछली पालन पे दोस्तों आप किसानों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, उस पर कॉल करके अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बुक कर सकते हैं। अगर आप आकर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो दोस्तों आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं। मछली पालन का हमारा कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हैं, मगर फिजिकल ट्रेनिंग दोस्तों बहुत बेस्ट रहती है। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पर आकर ट्रेनिंग लेते हैं तो उसकी बात ही अलग है। वीडियो के माध्यम से जो आप ट्रेनिंग लेंगे तो बेसिक नॉलेज मिलेगी, मगर वहाँ आप फिजिकल अपने हाथ से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि कैसे। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग में ही हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सारी चीज़ें बता देंगे कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, कैसे बैंक के लिए आपको बैंक मैनेजर को अप्रोच करना है। तो दोस्तों, मैं इसमें भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, आधार कार्ड, 2 फोटो और अपना DVT किसान पंजीकरण संख्या, आपने ये ले लेना है, खसरा खतौनी की नकल ले लेनी है, और इसको इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है 8.5 लाख रुपए की, कि आप 8.5 लाख रुपए कहाँ खर्च करेंगे। और ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के ये बैंक के पास ले जानी है, किसी भी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, जिसमें SBI है आपकी, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत है, पंजाब नेशनल बैंक है, SDFC बैंक है, ये सारे बिना कोलेट्रोल के
किसानों को मत्स्य पालन पे, मछली पालन पे लोन उपलब्ध कराते हैं, आप इनको जाके संपर्क कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई मैनेजर आपको लोन देने से मना करता है तो मैनेजर का नंबर लेके मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं मैनेजर से खुद बात करूँगा। तो आप दोस्तों सबसे अच्छा है कि ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लीजिए या हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर लीजिए। उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगा।